देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं झांसी। निकाय चुनाव के अंतिम चरण में झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में झांसी के क्राफ्ट मेला में सभा का आयोजन किया, जिसमें महापौर के प्रत्याशी झांसी के बिहारी लाल आर्य के लिए और अन्य क्षेत्र नगर पालिकाओं प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। विजयी बनाने हेतु लोगों से आह्वान किया कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और योगी जी ने कहा गरीब और शरीफ को छेड़ना नहीं है, गुंडे मवाले को छोड़ना नहीं है। सन 1857 में विदेशी चूल्हे को हिलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानगी, वो तो झांसी रानी वाली थी। रिपीट, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड वीर और वीरांगना की धरा है। यहां पर पहले गुंडा और मवाली डकैती डाल दिया करते थे। बुंदेलखंड में अब बिल्कुल शांत है। गुंडे और डकैत सब जेल में हैं, कानून के दायरे में सब जेल में हैं। बुंदेलखंड में बेरोजगारी कम हुई है, बहुत कुछ बदलाव बुंदेलखंड में हुआ है। बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ, कोई संदेह नहीं है, जो है ना, कोई संदेह मुझे नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जैसे यहां पर जो कार्य रामतीर्थ सिंगल जी ने किया, उन कार्यक्रमों को और तेजी लाने के लिए आज से बिहारी लाल आर्य जी जो विधायक के रूप में भी उनके पास एक अनुभव है, संगठन का भी एक अनुभव है, और साथ साथ अब महापौर बनेंगे तो महापौर में भी जन समस्याओं का समाधान करने, जनता के प्रति किस सहजता सरलता के साथ व्यवहार करना, इन सभी चीजों को लेकर के वे कार्य करेंगे। इसके लिए इनके हाथों में ताकत दीजिए, फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाइए। आप सहमत हैं? बोर्ड बनाएंगे सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ पा करके बिहारी लाल जी के समर्थन में बोले, पूरा बोर्ड बनना चाहिए। अयोध्या 4 मई को ही चुनाव है, ये चुनाव के अंतिम सभा है, सहमत है? पूरा बोर्ड भी बनेगा ना, तो भाइयों बहनों आप बना करके भेजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अनुराग जी यहाँ के सांसद हैं, रवि जी और राजीव सिंह जी और जवाहरलाल जी, ये सभी हमारे विधायक हैं, और हमारे जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं, इन सबको भी इनके नेतृत्व में झांसी के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे उन सब पे बिना किसी संकोच के हम पैसा देते रहे हैं। पैसे की कमी कभी आगे नहीं आने पाएगी, कभी नहीं। और इसके साथ ही मैं अपील करूंगा कि बिहारी लाल आर्य को महापौर के लिए और हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह नगर पालिका अध्यक्ष चिरगांव के लिए, श्रीमती मीरा कुशवाहा प्रत्याशी नगर पंचायत बड़ागांव, श्रीमती सुशीला कुशवाहा नगर पालिका बरवा सागर, श्री देवेंद्र सिंह कंसाना आ जाओ भैया नगर, देखो किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। आज सरकार की नीति स्पष्ट है, ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा सरकार के कार्य को, हमने जो कहा सो करके दिखाया। हर गरीब को मकान देने का कार्य पिछले 6 वर्ष के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय देने का काम हुआ। भैया बहनों, 1,75,00,000 गरीबों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए, और अब यह भी तय किया गया है कि होली और दीपावली में एक एक सिलेंडर फ्री में भर करके उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, किसी गरीब को इधर उधर भटकना ना पड़े। उत्तर प्रदेश में बिजली पहुंचाई गई, 21,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, जो काम भाई बहन की पार्टी और बुआ और बबुआ की पार्टी नहीं कर पाई थी, मात्र 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने गांव गांव में बिजली पहुंचा करके 1,55,00,000 लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के